नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में अगले साल एमसीडी का चुनाव होना है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल माहौल अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी एमसीडी में भ्रष्टाचार के खेल पर आए दिन कुछ न कुछ खुलासे कर रही है। आज भी आम आदमी पार्टी ने खुलासा करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया कि नॉर्थ एमसीडी में नोवेल्टी सिनेमा के 200 करोड़ की कीमत वाली जमीन को महज 34 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब महंगी जमीन को बीजेपी ने सस्ते दाम पर बेचा हो। एमसीडी में भ्रष्टाचार के विरोध में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, पार्षद और विधायक ने पार्टी दफ्तर से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक का घेराव कर प्रदर्शन किया। चोरी के खिलाफ, भाजपा की दलाली के खिलाफ, जो 34 करोड़ रुपए में जो जमीन इन्होंने दी है, उस जमीन की कीमत 200 करोड़ रुपए है और इन लोगों ने उस जमीन को 34 करोड़ में देने का काम किया। कितनी बड़ी दलाली भाजपा के नेताओं ने इसमें खाई है। हम चाहते हैं दिल्ली की जनता के पैसे को, दिल्ली की जनता की जमीनों को इस प्रकार चोरी में ना लाया जाए। एमसीडी का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, सबसे बड़ा भ्रष्ट डिपार्टमेंट, जिन्हें दलाली करके इनके पास जमीन हो रहे और दिल्ली के लोग, दिल्ली की एमसीडी गरीब हो रही है। हम चाहते हैं इसको, फैसले को वापस लिया जाए और जमीनों को बेचना बंद किया जाए। आपको कुछ कदम कहीं रोक लिया गया? ये तो दानाशाही है लोगों की, लोकतंत्र में हमें प्रदर्शन करने में देते हैं, दानाशाही है, लेकिन हमें रोक लेंगे। दिल्ली की जनता वोट डालने जाएगी, इनके काले कारनामों को खोलने का काम करेगी, उसको नहीं रोक पाए। और आज हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे कि आखिरकार क्या इसकी सच्चाई है कि 200 करोड़ की कीमत जिस जमीन की है, उस जमीन को उससे कई गुना कम कीमत पर क्यों बेचा गया। और इस बहस में मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है शुभेंदु जी आपका। और विकास गोयल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पहला सवाल शुभेंदु जी आपसे, भाई 200 करोड़ की जमीन है और उसको आपने 34 करोड़ में बेच दिया, इतनी मेहरबानी क्यों? अच्छा, ये कैसे बेच सकते हैं? आपको तो ये मालूम होगा कि कोई भी जमीन कैसे बेची जाती है, सरकारी जमीन की, उस पे जमीन का डिटेल डाला जाता है, लोग अपने अपने कोटेशन देते हैं कि हम इतने में खरीदेंगे, टेंडर होता है प्रोसेस, जो सबसे ज्यादा देता है उसको हम लोग दे देते हैं। ये भी सरकार की कोई जमीन देंगे और उसको बेचेंगे या जिसके ऊपर कंट्रोल है। अब उसमें यदि 34 करोड़ का आया और हमने भी 34.5 करोड़ का जो आया, जो हाईएस्ट था उसके खाते में, उसको हमने कहा कि चलिए आप अभी हाईएस्ट वन है, जिसको जो सबसे ज्यादा आपने प्राइस लगाया है और उसको हम दे देंगे। मेरा ये कहना है यहाँ पर कि ये एक प्रोसेस है कोई भी सरकारी जमीन को बेचने के लिए। यदि कोई आज भी 35 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ या 200 करोड़ जो ये कह रहे हैं, वो एक आदमी भी ले आए तो मैं उनको दिला दूंगा। अभी अभी तो ऑर्डर ही नहीं हुए, अभी तो पास होगा हाउस से। मेरा ये कहना है ये आप पार्टी की एक आदत है, जैसे शीला जी के ऊपर लगाया इन्होंने इल्जाम की 300 करोड़ रुपए इन्होंने पावर कंपनियों को खा लिए, अब 3300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उसी को सब्सिडी दे रहे हैं। इनकी आदत है कि किसी को इल्जाम लगाओ और भाग जाओ, उसके बाद जवाब देते रहो। बाद में चाहे अरविंद केजरीवाल जी की तिहाड़ में जेल भी हो गई, माफी मांगी उन्होंने गडकरी जी से, अरुण जेटली जी से, कि हमने झूठ बोला था सबके सामने, तो ये आदत है इनकी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, हमने इनसे पूछा, इनके प्रवक्ता से किसी और चैनल पे, कि ये 200 करोड़ का कैलकुलेशन क्या है। बोले ये जमीन को आप खाली करवाते, इसको कंस्ट्रक्ट करते, इसमें दुकानें निकालते और जो माल बन जाता तब इसकी वैल्यू 200 करोड़ होती। मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, ये झूठ बोलते हैं, पब्लिक को बहकाते हैं। और इसके लिए केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, उनकी ये आदत है कि आंदोलन करते रहो, सत्ता में बने रहो। इसके कारण विकास जी बता दें कि उनके सिसोदिया जी ने या जो आपके पाठक जी ने बोला कि 200 करोड़ कहां से आए, कौन सी फिगर आ गई, तो उन्होंने बताया कि इसको हम जमीन को बिल्कुल ठीक करते, इस पे हम माल बनाते 7 मंजिला और उसकी जमीन बेचते। कोई हम भारत की सरकार कोई बिल्डर है क्या? ठीक है, और इस तरीके का आरोप लगाना उनकी पुरानी आदत है। चलिए चलिए, आरोप लगे हैं, आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं है,
और आपने एक दावा किया कि आप कस्टमर लेकर आइए, टेंडर का प्रोसेस है, ठीक है, कि 200 करोड़ रुपया कोई लेके आए और अगर वो देने को तैयार है तो आप दे देंगे, अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, ठीक है। विकास गोयल जी, भाई इनके तरफ से तो जवाब आ गया, अब आप मुझे बताइए कि किस आधार पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उस जमीन की कीमत 200 करोड़ रुपए है। देखिए पिछले 25 साल में से 20 साल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, और जो एमसीडी का काम होता है, जो एमसीडी को काम करना चाहिए, हर फ्रंट पे एमसीडी पूरी तरह से फैल गई है, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो अस्पताल में अपने अस्पताल अच्छे से नहीं चला पा रहे, अपने स्कूल अच्छे से नहीं चला पा रहे, कोई भी काम, एक भी काम ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में नहीं किया कि जो कह सके, उदाहरण बन सके या इधर तक बिल्कुल लेके जा सके। सिर्फ एक काम जिसमें इन्होंने बिल्कुल अच्छे से किया, जिसको वो है इसका भ्रष्टाचार। अभी अवस्थी जी कह रहे हैं जी हमने ये किया वो किया, मैं अवस्थी जी से पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये जो नावल्टी सिनेमा की जमीन है गोल्ड सिटी में है, इसके सामने पार्किंग है, एक तरफ क्लोथ मार्केट है, एक तरफ टायर मार्केट है। अवस्थी जी खुद जाए और ये पता करें कि टायर मार्केट में एक 10x10 की दुकान, मतलब 10 मीटर की दुकान आज 3 से 4 करोड़ रुपए से कम की नहीं है। आज क्लोथ मार्केट में एक 10x10 की दुकान 4 करोड़ रुपए से कम की नहीं है, 10 मीटर की, तो मतलब 100 मीटर का वहां पे उसके जो बराबर में मार्केट है, 100 मीटर का रेट 35 से 40 करोड़ रुपए है, जो इन्होंने 1157 मीटर जगह सिर्फ 34 करोड़ रुपए में बेच दी। आप एक बात को समझिए, अगर आप ग्राहक ले गए, मैं अवस्थी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जमीन को बेच क्यों रहे हैं, अगर आप खुद एमसीडी इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के खुद अपनी दुकानें बेचें, तो मैं बड़े दावे के साथ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 350 से 400 करोड़ रुपए एमसीडी को मिलेंगे, लेकिन ये क्यों वो पौने पौने दामों में अपने 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 किसी जानकार को, खरीदारों को बेचकर अपनी जेब भरना चाहते हैं। इन्होंने ई टेंडरिंग की, अवस्थी से पूछना चाहता हूँ कितनी कंपनियों ने हिस्सा लिया, सिर्फ 2 कंपनियों ने हिस्सा लिया, 2 कंपनियों में से एक की बिड क्या आई 34 करोड़ 75 लाख, एक की बिड आई 34 करोड़ 75 लाख, मतलब ऐसे लगता है कि दोनों या तो एक ही आदमी की कंपनी हो या फिर किसी ने भगवान जी ने रात को सपने में आके बताया कि सिर्फ 1 लाख का फर्क कितनी बड़ी अमाउंट में और सिर्फ 2 बिड आई। ये जो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में जो कारनामे कर रही है, ये किसी से छुपे नहीं है, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार कर रही है। पिछले 15 साल में उन्होंने सब कुछ लूट लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। आज सीपीए कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन को पेंशन नहीं मिल रही, अस्पताल में दवाई नहीं है, मिड डे मील में ये घोटाला कर रहे हैं, स्कूलों में चले सर। विकास जी बात सुनिए, टॉपिक आ गया विकास जी, आपके बिल्कुल आपकी बात तो नहीं, आपने जो पॉइंट रेस किया, शुभेंदु जी आप जवाब दीजिएगा, मैं एक सवाल उसमें ऐड कर देता हूं। विकास गोयल साहब ने आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पक्ष रखा, उसमें जो बात मुझे समझ में आई, उसमें पहला पॉइंट आपने रेस किया कि जमीन को बेचने की दरकार क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा कि अगर आपको बेचना था तो आप उसको जमीन, अगर आपको कहीं से कोई घाटा था, पैसे की कमी हो रही थी, अगर आपको पूर्ति करनी थी तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानों को आवंटित करते या फिर प्लॉट की तरह अगर बेचते तो बेहतर कीमत आपको मिल सकते थी। ये 2 पॉइंट रेस की हैं। तो सवाल तो ये भी है अवस्थी साहब कि भाई जमीन को दिल्ली जैसी जगह में जमीन का क्या भाव है, जमीन की क्या वैल्यू है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और वो भी एक अगर सिनेमा हॉल है तो उसकी जमीन छोटी जमीन होगी नहीं, बेचने की दरकार क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूं। बेचने की दरकार क्यों पड़ी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली के अंदर जो वहां पे पास किया गया है कि इन जमीनों को बेच के रेवेन्यू डेवलप किया जाए, ये सरकारी जमीन पे वहां पे कोई ऑफिस नहीं डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद उस जमीन के ऊपर एक प्रोसेस निकाला गया कि ये जमीन बिकनी है, पास हुआ वहां पे उसका आप लोग उन्होंने लगाया, जब हमने टेंडर दिया एक भी आदमी, देखो टेंडर ओपन टेंडर है, कोई भी जनता का आदमी, यदि 200 करोड़ रुपए की जमीन थी तो केवल 2 ही टेंडर लोगों ने भरे। इसके पहले भी इनको मालूम है, झूठ बोल रहे हैं, 3 बार और कोशिश किया गया हमने, 3 बार और कोशिश की हमने कि ये इस तरीके की सेल हो जाए, पर लोग नहीं मिले। फिर हमने इसको ओपन टेंडर डाला, ई टेंडर था, इसमें किसी का कोई कम्युनिकेशन नहीं था, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी किसी भी जगह से, चाहे वो बैठा होता तमिलनाडु में, वो भी जमीन को ई टेंडर के थ्रू अपना ऑप्शन में दे सकता है। उसमें जब वहां पे जो हाईएस्ट अमाउंट आया उसको हमने बताया कि ये H1 है, यदि 34 करोड़ की जमीन को 200 करोड़ वैल्यू है,
तो कोई आदमी क्या दिल्ली के अंदर इनके तो 150 लोग जो आप पार्टी के बिल्डर को लॉबी है वो क्यों नहीं आए इसको खरीदने के लिए? और उस समय पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि इसको टेंडर नहीं होना चाहिए इसकी, चूंकि टेंडर एक ऑफिशियल तरीके से हुआ है उसका विरोध करना और झूठ बोलना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी तरीके से उन्होंने गडकरी जी पर इल्जाम लगाया, जेटली जी के ऊपर इल्जाम लगाया। अच्छा ठीक है, हमने गलत किया, एफआईआर करा दो। आपने एफआईआर नहीं कराया, आज तक 20 इल्जाम लगाए। जब स्विमिंग पूल का मैंने इल्जाम लगाया कि उनके घर में 7.5 करोड़ का स्विमिंग पूल बन रहा है और हमने एफआईआर और प्रेस में उनके डॉक्यूमेंट दिखाए, तब आप कहते हैं कि नहीं 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 सेंट्रल विस्टा भी बन रहा है। आप मेरे को यह मत समझाइए, यदि उस प्रोसेस में गलती है और वो टेंडर में कहीं गलती से गलत तरीके से अपने लोगों को दिया जाए तो बता दो। पर वहीं पर जब बस की 834 करोड़ के बस में मेंटेनेंस में 3438 करोड़ खर्च किया गया, 834 करोड़ के बस में 3438 करोड़ का मेंटेनेंस का टेंडर दिया, उतने पैसे में 3 बार 12 साल में नई बसें आ जाती, उसका जवाब नहीं दिया। फाइनली एलजी ने टेंडर को वापस किया, आपने माना कि गलती है उसमें। इस टेंडर में कहीं कोई गलती नहीं है, प्रोसेस है। आज भी मैंने खुद जब ये टॉपिक आया तो मैंने कमिश्नर से बात किया, उन्होंने कहा साहब आप 1 करोड़ ऊपर वाला आदमी ला दो, मैं टेंडर को कैंसिल करके दोबारा रिटेंडर कर दूंगा। ठीक है, नहीं ये सब कुछ करना नहीं है। ठीक है विकास जी, विकास जी आपकी बातों पर रिस्पॉन्ड करें। शुभेंदु जी प्लीज, विकास जी देखिए, अवस्थी जी ने 2-3 बातें कही। पहले उन्होंने बसों वाली बात की, उसमें एलजी साहब ने जो कमेटी बनाई उन्होंने क्लीन चीट दे। अभी भी कमेटी एलजी साहब की, एलजी साहब किसके हैं आपको पता है, किसके अधीन काम करते हैं, किसके इशारे पर काम करते हैं सब आपको पता है, उन्होंने क्लीन चीट दे दी। फिर भी जब इनका मुद्दा घुमाना होता है, क्योंकि इनको पता है, एक एक करके अवस्थी एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मकान क्यों बना रहे इसका जवाब ही नहीं देते। तो लेकिन मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा, और मुद्दे की बात ये अवस्थी जी बार बार कह रहे हैं कि 34.5 करोड़ पे तो रिजर्व प्राइस थी और हमने तो पूरी प्रक्रिया को पालन किया। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, रिजर्व प्राइस किसने तय की और किस तरह से तय की? आप क्या मार्केट रेट में वहां पे आपने पता किया मार्केट रेट क्या है? आज अगर आप रिजर्व प्राइस ही 34.5 करोड़ रखोगे तो 200 बड़ा ग्राहक क्यों आएगा? आज आप भी अगर कहीं अवस्थी जी को कहना चाहता हूँ, अवस्थी जी आप भी कुछ सामान खरीदने जाओगे, अगर कोई आपको सामान 10 रुपए में मिल रहा होगा तो आप 100 रुपए में खरीदोगे क्या? जब आपने रिजर्व प्राइस 34.5 करोड़ क्यों रखी, आपने मार्केट वैल्यू की प्राइस क्यों नहीं रखी? आपने सिर्फ वहां का जो सर्कल रेट निकाला सर्कल रेट से रख दिया। आज दिल्ली में मुझे आप दिलाइए सर्कल रेट में कहां जगह दिला सकते हो, सर्कल रेट में कहां जगह मिलेगी? ये 34.5 करोड़ रुपए जो आपने रिजर्व प्राइस रखी ये कैसे रखी, इसका बताइए। अपने नेताओं से पूछिए कैसे 34.5 करोड़ में रिजर्व प्राइस निकल के आई। आप मार्केट वैल्यू से रिजर्व प्राइस रखते, उसके बाद टेंडर करते, आप दोबारा टेंडर कीजिए इसको, और आप कहते आम आदमी पार्टी ग्राहक लेके आए। आम आदमी पार्टी को जरूरत नहीं ग्राहक लेके आने की, दिल्ली की जनता आपको देख रही है। मैं कह रहा हूं आपको जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, क्यों आप पूर्वजों की जमीनों का पैसे लुटाओगे? ये आपके घर की जमीन नहीं है, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे की जमीन है ये, आप क्यों बेच रहे हैं इसको? आप इसको डेवलप कीजिए, दुकानों को किराए पे दीजिए, इसके ठीक आमदनी आपको पूरी लाइफ टाइम मिलेगी। आप ऐसे ओडियों के भाव में जमीनों को लुटा रहे हो अपने आज लोगों को देकर, तो ये जो भ्रष्टाचार का खेल आप खेल रहे हो ये दिल्ली की जनता तक पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, और आपको ये सब निर्णय वापस लेने पड़ेंगे। अवस्थी जी आज मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है ठीक है, अवस्थी जी जवाब सुन लो आप। विकास जी पहले आप ये बताइए कि केजरीवाल जी ने अपने घर में 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया कि नहीं बनाया, हाँ ना में जवाब दीजिए। मैंने बिल की कॉपी भी है, उसके लिए अलग से आप बहस कीजिएगा, अलग से बहस रखिएगा, पूरी बहस करूंगा। पॉइंट को मुद्दे में बात करूंगा, पॉइंट को बड़ा स्पेसिफिकली आपने डिलीट कर दिया, आपने दिया कि नहीं दिया, वरना मैं अभी डॉक्यूमेंट दिखाऊं, डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा ये तो कि 8.35 करोड़ रुपए का तो खाली एक ही बिल्डर को स्विमिंग पूल बनाने के लिए दिया है। दूसरी चीज जो आपने बस के ऊपर का क्लीन चिट दे दिया, अलग से बैठ लीजिएगा। आज आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, तो मुद्दे को भटकाते हो रहे हैं आप। जिस मुद्दे पर बैठने के लिए मुद्दे पर जवाब दीजिए। 34.5 करोड़ पे रिजर्व प्राइस कैसे रखा गया, कहां निकल के आई 34.5 करोड़ की फिगर, किसने तय किया 34.5 करोड़ का रिजर्व प्राइस है? सुनिए क्यों क्यों वहां का जो बाजार भाव है वो रिजर्व प्राइस क्यों नहीं रखा आपने? बिल्कुल आप उस मुद्दे पर बात कीजिए। आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग है। केजरीवाल दिखाने के लिए नीली ढीली शर्ट पहनता है पर घर में स्विमिंग पूल बनता है 8 करोड़ का,
मोदी जी कितने रुपए का सूट पहनते हैं हम डीरेल हो रहे हैं विकास जी, शुभेंदु जी, हम डीरेल हो रहे हैं। नहीं नहीं कौन इशू पे रही, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उसी इशू पे रहते हैं। नहीं शुभेंदु जी, बस की बात कही, आपको बस पे क्लीन चिट नहीं दी गई, बस की खरीद पर दी गई है। बस के मेंटेनेंस जो 4 गुना ऑर्डर था 3438 करोड़, उसको होल्ड किया गया है, इसलिए झूठ देखिए मैं आप दोनों से, देखिए आप दोनों अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलहदा विषयों पर अगर हम जाएंगे तो ये बहस डिरेल हो जाएगी। टॉपिक पर आइए, जो रिजर्व प्राइस रहता है वो बहुत बेसिक मिनिमम प्राइस रहता है, वहां का जो सरकारी रेट होता है उसकी बेसिस पे रिजर्व प्राइस रखा जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू के ऊपर। ये इनको समझ में नहीं आता है, एक लाइन की चीज बेसिक चीज है कि कोई भी सरकारी, शुभेंदु जी, सरकारी रेट पे जमीन बिकती कहां है सर? सर देखो, रिजर्व प्राइस जब भी कोई सरकारी जमीन देती है, जो सर्किल रेट होता है वो रिजर्व प्राइस है, उसके 10 गुना भी प्राइस हो सकता है। रिजर्व प्राइस को खुले नहीं है, आज भी डीडीए खुले हैं। लेकिन सर दिल्ली में जमीन नहीं, दिल्ली में जमीन अगर इस तरीके से हो गया, आप बता रहे कि कोई आ नहीं रहा है, तो इस पर भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। शुभेंदु जी, सर सुनो, एक ही धर्मा जी एक ही बात कहेंगे, ये ओपन टेंडर है, क्यों नहीं 10 लोगों ने अप्लाई किया? ये तीसरी बार टेंडर हुआ है, ये कोई पहली बार टेंडर नहीं हुआ है, दो बार कोई आए नहीं लेने के लिए। ठीक है, एक मिनट विकास गोयल जी, ऐसा क्यों है लोग नहीं आ रहे? ओपन टेंडर है तो फिर क्या दिक्कत है? तो दो ही लोग क्यों आए? ठीक है विकास गोयल जी, देखिए अवस्थी जी बातों को घुमा फिरा कर कोड मरोड़ कर बेचते हैं। मैं कह रहा हूं आपने 3.5 करोड़ रिजर्व प्राइस रखा, आपने 3 अखबारों में ऐड किया, क्या जिस तरह से आज आप पूरे दिल्ली में होर्डिंग पोस्टर लगा रखे हैं आपने, हर चीज के, आप कोई भी छोटा सा इवेंट होता है, कोई आप जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हो, योगी जी के इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं आपने, ऐड की कि हम इनोल्टी सिनेमा बेच रहे हैं, किसको खरीदना है आ जाइए, आपने 3 अखबारों में ऐड निकाली, कितने लोग ऐड करते होंगे? ये तो प्रक्रिया था, अखबारों में ऐड से ही विज्ञप्ति आती है। कब तक है ये टेंडर? कब तक एक मिनट, ये टेंडर कब तक है अवस्थी जी, कब तक टेंडर डेट है? टेंडर की उनके खाली अभी टेंडर हुआ, उन्होंने अपने अपने प्राइस, टेंडर हो गया है, टेंडर हो गया, उन्होंने अपने लोएस्ट प्राइसेस हाईएस्ट प्राइसेस भी दे दिए हैं, इसको पास नहीं किया सदन ने। आप 50 करोड़ का एक आदमी ले आइए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ चैनल के ऊपर कि ये टेंडर कैंसिल करा के, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, यदि आप 50 करोड़ का भी एक आदमी ले आइए, आप तो 200 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं ये टेंडर कैंसिल करा के 3 दिन में दोबारा रिटेंडर कराऊंगा। पर नहीं, आपका काम है, दिक्कत क्या है सर? आप लाओ तो आदमी, मैं प्रक्रिया को एक भी आदमी लाओ जो लिख के दे, मैं 50 करोड़ में जमीन लेता हूँ, लेना चाहता हूँ, पर नहीं लाओगे आप। आपको रिटेंडर कराने में दिक्कत क्या है? आप रिटेंडर कराइए ना, अच्छे से प्रचार कीजिए कि लोगों को पता चले कि हाँ, पुरानी दिल्ली पॉलिटिकल मैरिज नहीं दिया जाएगा। आप एक भी आदमी को लेके आइए, लोकेशन की जगह कोड़ियों के भाव आपने बेच दी। मैं कह रहा हूँ पहली बार जमीन बेचने की जरूरत क्या, वो जमीन ऐसी है जिससे आप जिंदगी भर रेवेन्यू कमा सकते हो, ये किसी के घर की जमीन नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन है, कि कांग्रेस की जमीन है, आम आदमी पार्टी की जमीन है, ये दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे की जमीन है जो आप इसके अंदर कोड़ियों के भाव में बेचते जा रहे हो। आप अपने नेताओं को बोलिए टेंडर को तुरंत रद्द करें और दोबारा टेंडर करें, और टेंडर अपनी बात नहीं, इसको बेचने का अपने आप पीपी मॉडल बनवाइए, इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाइए और दुकानें बेचिए, किराए पे दीजिए, आप देख रहे कितनी आमदनी हर साल आपको होगी, जो आप 34 करोड़ में बेच के खुश हो रहे हो कि 34 करोड़ में आप खुश हो गए, क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पैसा जा रहा है। आपकी बात से एक पॉइंट मुझे समझ में आया शुभेंदु जी, ये जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है कि अगर आपने वो जमीन किसी को बेची, वो सिनेमा हॉल की है तो नो डाउट बड़ी जमीन होगी, उस पर अगर कोई, अगर मैंने खरीदार, मैं उस पर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ या कोई मॉल मैं उसमें डेवलप कर रहा हूँ, कोई रियल एस्टेट में कोई काम अगर उस पर मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो ये काम तो अगर MCD खुद कर लेती, PPP मोड पर जाके कर लेती, तो शायद ये बेचने से आपको जितनी आमदनी होती उससे बेहतर स्थिति तो बाद में होती, वो काम वो आप खुद क्यों नहीं कर रहे PPP मोड पे? देखिए, इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट MCD नहीं लेता है, पहला चीज है ना। दूसरी चीज, यदि कोई हमने पूरे दिल्ली के, मैं विकास जी अभी आ रहा हूँ, एक मिनट विकास जी, जल्दी कंप्लीट कीजिए,
ठीक है विकास जी, 37 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी भी चल रहे हैं एमसीडी के। आप सर उतना मैं एमसीडी का तो जानकार हूं नहीं, तो ये बता, आप बता रहे 37, आप वो कंफर्म करेंगे है या नहीं है। ठीक है अवश्य बोलिए शुभेंदु जी। पुराने जितने भी डीडीए के और एमसीडी के कॉम्प्लेक्सेस बने उनकी बहुत खराब हालत है, बहुत टूटी जर्जर हालत में डीडीए के जितने भी डीडीए के और एमसीडी के पुराने मार्केट्स हैं उसके अंदर बड़ी खराब हालत है। इसलिए प्राइवेट बिल्डर्स में दिल्ली में ऐसे लगभग 70% ऐसे मॉल हैं जो बिल्कुल बंद हो गए ऑलमोस्ट, जिनको मैं दुकानदारों में रेंट को भी जो लोग रेंट पे लेके दुकानें चलाते थे वो भी बंद हो रही हैं। मेरा ये कहना है ऐसे समय पर जब ये ओपन टेंडर हुआ, ई टेंडर हुआ, 3 बार सभी दिल्ली के बड़े बड़े पेपरों में दिया, सभी डिजिटली अप्लाई किया गया और उस प्रोसेस में जो रिजर्व प्राइसेस होता है उसका 10 गुना भी प्राइस आ सकता है। हमने कोई मांग नहीं करी कि हमको 34 करोड़ में दे दो, यदि 400 करोड़ रुपए भी आ जाएंगे तो एमसीडी को क्या नुकसान होगा। और यदि ये कह रहे हैं, मैं आज भी इनके साथ कह रहा हूँ, एक आदमी 24 घंटे क्या आप 5 दिन ले लो, एक आदमी भी 50 करोड़ रुपए के ऊपर खाली लिख के दे दे कि यदि ये रिटेंडर होता है। चलिए विकास गोयल जी, फाइनल कमेंट बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इसकी कीमत नहीं है, आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करें, जल्दी से जवाब दे दीजिए विकास गोयल जी। देखिए मैं अवस्थी जी कहना चाह रहा हूँ, अगर इनको ऐसा लगता है तो आप इसको टेंडर कैंसिल कीजिए, इसको रिटेंडर कीजिए और अच्छे से प्रचार कीजिए, आपको पता चल जाएगा जमीन कीमत क्या है। लेकिन मेरा सीधा स्टैंड ये है कि एमसीडी की 1 इंच भी जगह बिकनी नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी का सीधा स्टैंड है कि आम आदमी 1 भी इंच एमसीडी की बिकनी नहीं चाहिए। आपको डेवलप करनी है उसको डेवलप करो, आप उसको किराए पर दो। अभी अवस्थी जी ने कहा कि जो हमने बनाई उनकी हालत बहुत खराब है, क्यों है उनकी हालत खराब, क्योंकि एमसीडी ने टाइम टू टाइम को रिपेयर ही नहीं किया। चलिए विकास गोयल जी वक्त खत्म हो गया है, आप कह रहे हैं कि इसको कैंसर जो टेंडर है उसको रद्द किया जाए और नए सिरे से टेंडर लाया जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई हमने ई टेंडर किया, ओपन टेंडर किया, 2 ही लोग आए और उसमें जो पैसा मिला वो सबके सामने है। अगर आम आदमी पार्टी इससे ज़्यादा लेकर आती है तो 4 से 5 दिन में दोबारा से टेंडर करवा दिया जाएगा। मामला तकनीकी है लेकिन सवाल भी जरूर खड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। विकास गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के चर्चा में बस इतना ही।